Nanishwari Lokhande and lucky to be a student of Sir Rachendra Mundra. Hi everyone, I am Rashmi Chauhan. I am a student of CA Rachendra Mundra, sir. Everyone, my name is Shrutika Bhulte and I am student of CA Rachendra Mundra. Myself Aditya and I am student of Rachendra, sir. Hi guys, I am Apurva Pawar. Abhi, I am a student of CA Rachendra Mundra. Abhi. Hi everyone, my name is Apurva Shripad Kulkarni and I am student of CA Rachendra Mundra, sir. मेरा नाम प्रतीक चौधरी है, मैं सी ए रचेंद्र मुंद्रा सर का स्टूडेंट हूँ। माय नेम इज़ मेघना हजरा, मैं सी ए रचेंद्र मुंद्रा सर की स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली पहले थेरी सब्जेक्ट वाज लाइक ओके थेरी है, रट्टा मारना है, बट जब सर ने सिखाया देन इट वाज लाइक गोइंग टू द कैरेक्टर सॉल्यूशन मिल जाएगा एंड प्रैक्टिकल, मतलब जो भी सर ने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए मुझे पता नहीं था कि हम थ्योरी सब्जेक्ट को भी इतना प्रैक्टिकल रिलेट कर सकते हैं एंड मतलब सबके नाम लेके उनके एग्जांपल्स देना एंड मतलब ऐसा लगता है कि हाँ हम फ्रेंड्स के साथ ही बात कर रहे हैं, मतलब फ्रेंडली रिलेशन बना दिया हमारा सब्जेक्ट के साथ एंड जब अभी हम सब्जेक्ट देखते हैं देन इट्स लाइक ओके हाँ सर ने एग्जांपल दिया था, हम एग्जांपल के साथ सब्जेक्ट को लर्न करते हैं, सो इट्स वेरी इजी एंड थैंक यू सर फॉर मेकिंग अस टू रियलाइज दैट वी कैन रिलेट एवरीथिंग विथ प्रैक्टिकल एंड हाँ थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू। अभी हमारी रिसेंटली EIS और SM की बैच ख़त्म हुई है एंड आई लाइक टू शेयर क्लास में जो भी एक्सपीरियंस एंड टीचिंग कैसे हुआ। इट वाज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड जर्नी, मतलब अभी मैं खुद को देखूँ एंड आई हैव फ्रेंड्स जो क्लासेस में गए हैं EIS SM, उनका कॉन्फिडेंस लेवल और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इज़ एक्चुअली डिफरेंट। मतलब पहले तो नहीं लगा था कि मतलब थियरी है, बुक भी इतनी मोटी थी, देखा कैसे होगा, फिर बाद में सर ने जैसे जैसे सिखाना शुरू किया उसमें अलग ही इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मतलब SM का फर्स्ट लेक्चर भी इतना इंटरेस्टिंग था कि मतलब आगे और क्या क्या देखेंगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट रोज़ सीखेंगे उसका एक्साइटमेंट रहता था। सेम विद EIS, IT तो स्कूल में भी वैसे ही रट्टा मार के ही पढ़ा था, पर इसमें जो EIS में जो भी था वो सब अच्छे से समझा है। मतलब अभी भी बुक खोल के देखेंगे तो ये एग्जांपल में सर ने उस टाइम ये सिखाया था वो सब अच्छे से याद आ जाता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। और फ्लो चार्ट के कंसेप्ट में हमने डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, तो तब स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा जमता नहीं था, तो लगा कि कुछ ढंग से आता है नहीं, स्टार्ट भी हम क्वेश्चन से करेंगे कैसे होगा, पर धीरे धीरे जैसे सर ने सिखाया वो धीरे, मतलब हमने भी जैसे सॉल्व किया तो सब अच्छे से, मतलब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट अपने आप आ गया फ्लो चार्ट का और वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गया। बाय द एंड ऐसे समझ लग रहा था कि कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फ्लो चार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल EIS SM अभी जब लगता है कि पढ़ना है इसे तो ऐसे लगता है कि उतना टेंशन नहीं है, कर ही लेंगे करके। इट इज़ ऑल बिकॉज सर की टीचिंग और उन्होंने इतने अच्छे से जो पढ़ाया है हमें, थैंक यू सर। एंड जस्ट रिसेंटली वी कम्प्लीटेड आर EIS एंड SM बैच एंड इट वॉज फॉर 1.5 मंथ्स एंड इट वॉज़ वेरी फ्लुएंट। लाइक जब पहले सोचा था ग्रुप 1 होने के बाद ग्रुप 2 के बारे में, IT एंड SM के बारे में बहुत सुना था कि इट इज़ अ थियरी सब्जेक्ट, लाइक थियरी है एंड 11th 12th या फिर 12th तक जितना भी IT सीखा उसमें इट वॉज़ लाइक कि हमने कभी ऐसा इतना अच्छे से प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअल ऐसा क्लैरिटी कभी मिली नहीं। बट तो थोड़ा सा टेंशन था कि EIS एंड SM कैसे होगा। बट जब फर्स्ट डे सर का, आई रिमेंबर सर ने खुद बोला था गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट, तो तब लगा यार सच्ची में क्या ये सब्जेक्ट ऐसा नींद वाला है क्या। तो एंड आर क्लासेस टाइमिंग वॉज इन द आफ्टरनून 1:30 to 3:30, तो उसमें तो वो नींद का ही टाइम रहता है, बट नींद नहीं आई, फ्रेंकली स्पीकिंग कभी नींद नहीं आई। एंड जब सर सिखाते हैं तो इट इज़ लाइक हाँ सब एकदम फ्लो में हो जाता है। एंड फर्स्ट ही स्टार्टेड विथ EIS, तो EIS में कंटिन्यूस 2 आवर्स उन्होंने कभी सिर्फ थियरी नहीं लिया, तो एंड के हाफ आवर में वो फ्लो चार्ट लेते थे। एंड फ्लो चार्ट का जो लॉजिक डेवलपमेंट जो हमको सिखाया सर ने, लाइक कैसे फ्लो चार्ट करना चाहिए उसका एक विषय, मतलब सर बोलते हैं हनुमान चालीसा, वो जो है
वो इट इज़ लाइक बेस्ट, वो अगर हो गया है एंड बस थोड़ा लॉजिक डेवलप होना चाहिए. एंड अगर डाउट भी आया फ्लो चार्ट में तो सर ने बहुत अच्छे से मतलब लाइक समझाया कि ये ऐसे है एंड वैसे है. तो EIS में एंड मेमोरी टेक्निक सर जो देते हैं उसमें लाइक हो जाता है वो कंटेंट, तो उतना टेंशन नहीं आया EIS में. एंड SM की मैं बात करूँ तो इट इज़ लाइक उसमें सर ने इतने सारे एग्जांपल्स दिए कि यार वो कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए, इट विल बी डन, लाइक इट इज़ दैट वे. एंड इन 1.5 मंथ्स ही गेव अस लाइक बहुत नॉलेज, ही रिलेटेड अस विद रियल वर्ल्ड, लाइक EIS ऐसे है, SM ऐसे है, तो वी आर लाइक गुड नाउ, वी नो, मतलब इतना टेंशन नहीं है EIS एंड SM का. जो सर ने स्ट्रैटेजी बताई है पेपर कैसे लिखना चाहिए, फिर हाउ टू स्टडी EIS एंड SM एंड ऑल्सो अदर सब्जेक्ट, सो ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी सर बताते हैं दैट्स द बेस्ट. एंड ही इज़ रियली वेरी फ्रेंडली एंड बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसे कभी लगा नहीं कि यार शिट अभी EIS SM मतलब थियरी है, नहीं कभी वैसे नहीं लगा है, अच्छा है चलो मज़ा ही आएगा. एंड इट वॉज़ वेरी गुड एंड थैंक यू सर फॉर टीचिंग अस वेल. सर ने बहुत अच्छे तरीके से EIS और SM सिखाया और EIS तो बहुत अच्छे से सिखाया, क्योंकि एक CA को इतना नॉलेज होना इट्स वेरी सरप्राइजिंग. सर एक CA कम इंजीनियर है, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया. एंड और SM भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो सर ने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए SM के और इट वाज गुड जर्नी विद सर, थैंक यू. अभी हमारी EIS SM की क्लास ख़त्म हुई है, तो बिफोर ग्रुप टू स्टार्टेड मैंने ऐसे सुनने में आया था कि EIS इज़ ऑल रिलेटेड टू IT एंड SM इज़ ऑल प्रैक्टिकल. तो बचपन से कभी IT पसंद था ही नहीं, तो इट वॉज़ लाइक चल ठीक है IT है तो रट्टा मारेंगे. बट जैसे जैसे सर ने स्टार्ट किया EIS तभी इंटरेस्ट आने लगा, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑल जब पता चला और वो प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड है तो और इंटरेस्ट आने लगा. एंड जब भी सर से डाउट पूछे थे तो सर उस डाउट से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें बता देते. और SM का बोला जाए तो सर बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके सिखाए जाते थे, सो इट वाज लाइक रिलेट करना बहुत इजी रहता था और रिमेंबर करना भी बहुत इजी रहता था. तो अगर ऐसा लग एक भी क्लास अगर मिस किया तो ऐसा लगता था यार बहुत सारा चीज़ मिस की है, क्योंकि सर ने बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ें बताई हुई होती है. सो सर के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एंड सर बहुत अच्छे सिखाते हैं. थैंक यू. He is teaching us EIS and SM for group 2 and I like to share my experience that the way he teaches the theory subjects is very practical, so we can relate everything, every theory means every concept in SM and as well as EIS to the practical world. सर ने हमको मतलब टाइम टू टाइम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए और क्लाउड क्या होता है, मतलब बैंकिंग सिस्टम्स कैसे होते हैं वो सब ठीक से एक्सप्लेन किया. सो अभी ऐसे नहीं लगता कि इतना बड़ा थ्योरी हमसे कैसे हो पाएगा, सो इट इज़ वेरी इजी टू द लर्न दैट सब्जेक्ट नाउ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इतना थ्योरी मुझसे तो नहीं हो सकता ऐसे लगता था, पर अभी जो सर ने मेमोरी टेक्निक्स दी है उससे थ्योरी के पॉइंट्स या फिर सब कुछ ऐसे याद रहता है, वी कैन रिकॉल एवरीथिंग. और जो सर रिवीजन लेते हैं लेक्चर में उससे तो बहुत हेल्प होता है, सो थैंक यू सर. हमारा अभी EIS एंड SM का बैच कंप्लीट हुआ है, तो अभी सब लोगों ने बोल ही दिया है कि EIS और SM कैसा है, तो मैं भी बोलना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. तो मुझे फ्लो चार्ट से पहले जब सर ने स्टार्ट किया था फ्लो चार्ट वगैरह तो बहुत डर लगता था और मुझे कुछ आता भी नहीं था इनिशियली. तो बाद में सर के टोटल 8 प्रॉब्लम्स थे सर के बुक में, तो पहले 2-3 में तो कुछ आया ही नहीं, तो बाद में मैंने किया थोड़ा थोड़ा तो आ रहा था, लेकिन एक बार मतलब मेरी लग गई ऐसा, मतलब कि कुछ भी नहीं आ रहा था, मतलब क्लास में लिया सर ने प्रॉब्लम फिर भी नहीं आया, तो मैं रात को एक मुझे नींद ही नहीं आई एक रात को, तो मैं 1:30 बजे उठ गया और मैंने एक प्रॉब्लम लिया जो बचा था लास्ट का 8th वाला, तो मैंने कर दिया सॉल्व. फिर सर ने दूसरे दिन क्लास में वो लिया तो मैंने जाके सर को दिखाया, तो मतलब मुझे आ गया वो प्रॉब्लम, तो ठीक है अच्छा लगा, थैंक यू सर. पहले तो 10th तक कंप्यूटर्स में इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था,
तो जब सी ए इंटरमीडिएट में आके ऐसा लगा कि अभी कंप्यूटर्स के रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो बहुत टेंशन आ गया। फिर ऐसा सर को देख के लगा नहीं सर इतने चिल है तो ठीक है हो जाएगा सब कुछ। और फिर मेरी मतलब बहुत से फ्रेंड से पूछा सीनियर से कि सब्जेक्ट कैसा है तो उन्होंने बोला कि नहीं ये सर के पास जाओ वो सर के पास जाओ ये अच्छे है वो सिखाने के लिए। फिर मैंने बोला नहीं सर को देख के ही लगता है कि नहीं अच्छा पढ़ाते हैं आई वॉन्ट टू स्टिक टू हिम ओनली। फिर सर ने जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट स्टार्ट किया कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली मुझे बहुत क्रेज़ था कि मतलब क्या है क्या नहीं है। फिर जब बिजनेस रिलेटेड लेसन स्टार्ट हुआ तब मैंने घर पे जाके बोला ऐसे स्टार्ट हुआ है तो फिर पापा को भी इंटरेस्ट आया कि नहीं क्या है क्या नहीं है बोलो। फिर अगले दिन मैंने जाके कुछ बोला नहीं इतना पर पापा ने आके मुझे बोला नहीं क्या पढ़ाया आज बोलो ऐसे। फिर बहुत सर के एग्जाम्पल्स ने बहुत सिखाया। घर पे जाके मैं मेरी मम्मी को सब कुछ बताती हूँ उनको मैं एग्जाम्पल्स बताती थी। मेरी माँ बोलती थी कि नहीं अभी तो चुप हो जा कितने एग्जाम्पल्स एक दिन में कितने एग्जाम्पल्स देगी। मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा मम्मी ने बोला नहीं सर सच्ची बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर।